इसे बनाने में हमें लगभग 40 दिन का समय लगा है, क्योंकि हम दिन में सामान इकट्ठा किया करते थे, हमें वेस्ट मटेरियल की ज़रूरत थी और रात में हम बनाया करते थे। ये पूरा काम करता है और सिवनी का नाम रोशन करने के लिए इसको भगवान बहुत उन्नति दे और बढ़ावा दे। और हमारी जो टीम है, इस टीम के वर्क के कारण इसने इतना बड़ा काम किया है, जो आज दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। हम जो है जो कबाड़ा लेके आते थे और जो माता थे जो भैया बोलते थे तो वो सब करते थे। असल में हम लोग काम करने में इस बार लेट हो गए थे, हमने सिर्फ 40 दिनों में ही सामान इकट्ठा किया। 40 दिन में, क्योंकि लोग बोल रहे थे कब से बना रहे हैं। सिवनी जिसे शिव की नगरी से नाम से जाना जाता है, साथ ही यहाँ सावन माह के पावन पर्व पर प्रसिद्ध मठ मंदिर पर ऐसी प्रतिमा बनाई गई है जहां पर लोग दूर दूर से यहां पर घूमने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं। कुछ युवाओं द्वारा अनुपयोगी वस्तु से ऐसी प्रतिमा स्थापित की गई है, उनसे ही हम बात करते हैं कि यहां पर कितने महीने से आप तैयारी कर रहे थे और कितने लोग थे आपके साथ इस प्रतिमा को बनाने के लिए। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जय महाकाल जी। मेरा नाम विक्की कश्यप है और मैं सिवनी का रहने वाला हूँ। ये जो हमने प्रतिमा बनाई है ये सिवनी मठ मंदिर में बनाई हुई है। हमारी टीम में लगभग 14 से 15 लोग हैं, जिसमें कुछ बड़े भैया हैं, कुछ छोटे भाई लोग हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। और इसे बनाने में हमें लगभग 40 दिन का समय लगा है, क्योंकि हम दिन में सामान इकट्ठा किया करते थे, हमें वेस्ट मटेरियल की ज़रूरत थी और रात में हम बनाया करते थे। तो ऐसे करते करते लगभग 40 दिन का समय लग गया हम लोगों को। कहाँ से ये आपको प्रेरणा मिली कि ये आर्ट करना चाहिए, भगवान शिव का ही क्यों? जी मैं ये प्रेरणा सच बताऊं तो मैं प्रकृति से लेता हूं, क्योंकि कण कण में भगवान का वास होता है। तो ये चीज़ से प्रेरणा लेके हमने 2 साल पहले लकड़ी से बनाए हुए थे और पिछले साल हमने नारियल से बनाया था। इसलिए हम कण कण में भगवान का वास होता है, तो हम कला के माध्यम से कोशिश करते हैं बनाने की कि सबको दिखा सकें कि भगवान हर चीज़ में बसते हैं। तो ये चीज़ से प्रेरणा लिया और बनाना चालू किया, कि कोशिश की जो कि सफल हुई और वायरल होने लगी, काफ़ी लोग यहाँ पर आने लगे। इस प्रतिमा को बनाने के लिए आपको किसी का समर्थन मिला यहाँ? हाँ, समर्थन मिला। सारी सिवनी मुझे सपोर्ट करती है, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। देखते हैं कि कब आने वाले, कब बनने वाले हैं भोलेनाथ। सामान मिलता है मुझे कुछ, बाकी कुछ जो नहीं मिलता तो हम खरीद के लाते हैं, जिसमें ये वायर जो लगे हुए हैं लगभग 1.5 क्विंटल, तो गंगा जी रोड में एक साहू कबाड़ा करके तो भैया ने मुझे दिया हुआ है कि इन्हें यूज़ करो, फिर वापस कर देंगे उन्हें हम। ऐसा ही बहुत सारा सामान जो जालियाँ हैं एल्यूमिनियम की, कुछ दुकानों से आई हुई हैं, जो वेस्ट वाली जालियाँ होती हैं वो कतरन होती हैं, तो उसको हमने काट के लगाया उस पर। सावन माह में बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं, ये भी भैया साथ में थे, आप बताएंगे क्या नाम है और आप भी थे? मेरा नाम शिव प्रकाश कश्यप है, ये मेरा छोटा भाई है। ये पूरा काम करता है और सिवनी का नाम रोशन करने के लिए इसको भगवान बहुत उन्नति दे और बढ़ावा दे। और हमारी जो टीम है, इस टीम के वर्क के कारण इसने इतना बड़ा काम किया है, जो आज दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। आप भी थे साथ में, क्या मेहनत करें इसमें? हम जो है जो कबाड़ा लेके आते थे और जो माता थे जो भैया बोलते थे तो वो सब करते थे। अच्छा, आपने क्या किया इस मूर्ति में? मैंने भी बहुत कुछ किया, मतलब इन लोगों के साथ रात दिन रह के, मतलब जो सपोर्ट लगता था, मतलब कि ये देना वो देना, ऊपर चढ़े रहते थे, नीचे से उठा के देना, मतलब बहुत कुछ। अच्छा, और आपने? मैंने भैया के साथ मदद किया, मतलब सब काम में, तो बस इतना ही। इस प्रतिमा को बनाने के लिए आपको लगभग साल भर लग गया होगा कलेक्ट करने के लिए सब सामान? नहीं जी, साल भर नहीं लगा। असल में हम लोग काम करने में इस बार लेट हो गए थे, हमने सिर्फ 40 दिनों में ही सामान इकट्ठा किया। 40 दिन में, क्योंकि लोग बोल रहे थे कब से बना रहे हैं, सारे लोग बोल रहे थे कब से, कि कब आएगी वीडियो या फिर कब बनेंगे शंकर जी। तो वो परेशानी चल रही थी कि 40 दिनों में भी हमें सामान इकट्ठा करना था। और सबसे बड़ी बात ये कि मनपसंद सामान नहीं मिलता है हमको, जो सामान हमें मिल जाता है हम उसी से कोशिश करते हैं बनाने की। एक टास्क रहता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और भगवान जी की कृपा ऐसी रहती है कि वो आखिर बन ही जाते हैं हमारे हाथों से, उनकी इच्छा से। हालांकि इस बार काम लेट हो गया था, पर काफ़ी उभर के आया, भीड़ ज़्यादा मात्रा में आ रही है। तो ये थे युवा सिवनी के, जिन्होंने भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा का निर्माण किया है जिसे देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और ऐसी वस्तु का इस्तेमाल किया है जो अनुपयोगी होती है लोगों के लिए, लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा मिली है इन युवाओं को कि लोगों ने यहाँ पर बड़ा सराहा है और बड़े यहाँ पर लोग भीड़ आ रही है और तस्वीर खिंचाने लोग दूर दूर से नज़र आ रहे हैं। बहरहाल, मुझे और मेरे दोस्त को दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।